ध्यान है तुमने नहीं, जिस दिन ध्यान होगा हम उनके हक में देंगे। हमारे कोई लोग रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, अभी तक मैंने शबीर को नहीं देखा, मैंने दुआ बेटी को नहीं देखा, मैंने जहीर को एक बार देखा है सर। निकाह कैसे करवा दिया मैंने, उस दिन मैं लाहौर में था ही नहीं, तो मैंने निकाह कैसे करवा दिया? फंसा कैसे हो भाई? जिसने निकाह करवाया उसने नाम लिख दिया गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा नहीं है, नाम नहीं है, नहीं नहीं वो फॉर्म भी चोरी नहीं हुआ, नया कहते कहीं रजिस्टर ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, हमने हक की बात करनी है, हक सच की बात करनी है, अल्लाह को जान नहीं देनी है। कब्र यहाँ पे तो चलो बच जाएंगे, कब्र में कौन जवाब देगा? नहीं कब्र में कौन जवाब देगा? करो दसो, नहायत ही गरीब आदमी है, बेचारा मजदूर आदमी है, नहायत गरीब आदमी है, बचन के आगे गुजारा कर जाए ठीक है। उसने शरारत करके नाम लिख दिया मेरा, बिल्कुल मेरा सेम नाम लिखा गया है, तो कौन है कौन नहीं गुलाम मुस्तफा मैं तो नहीं जानता नहीं। नहीं गरीब दोनों बेचारे गरीब आदमी हैं, खाली साहब भी वालद बीमार है, वही उनको संभालते थे, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ पुराने पास घरों में जाके, ये जिसने निकाह करवाया उसने मेरा नाम लिखा, मतलब उसने आपकी गुलाम उसका लिख दिया जो मेरा नाम भी आपकी गुलाम उसका, इस वजह से पुलिस ने मुझे बुला लिया। उस दिन मैं लाहौर में था ही नहीं जिस दिन ये निकाह हुआ, मैं ना किसी हीरो को सुने रजिस्ट्रार हूँ, ना मैं कहीं पे मेरा फार्म चोरी हुआ, जिसने निकाह पढ़ाया उसने फार्म लिखा, सारे मामला उसने किए हैं। पहले दिन से मैं अपनी की मैंने तो पहले दिन कह दिया जब मैंने नहीं निकाला पाई थी, जब वो मजाक में मामला बना, जब मैंने कराया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँगा कि मैंने कराया है? वीडियो आपके पास है ठीक है, CDR में मैं लाहौर में हूँ ही नहीं, तो बड़ी बात है मेरे सर पे 10 कुरान रखे, मैंने बच्ची को आज तक देखा ही नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम पैगाम वगैरह पहुँचाएँ, बेल हमारी होती है बेल होने दें, जिस दिन हमारा बयान होगा देना होगा हम उनके हक में देंगे। हम सदा की बड़ी दिल से कदर करते हैं, आप लोगों ने अंदर रहना है, आप बात करें चार के पांच बच्चे हैं और कोई घर तो फिर ही नहीं है, मतलब मैं अकेला घर का भाई साहब मैं संभालता था, पूछ नहीं सकते उनके वाशरूम में लेके जाना लेके आना ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उनको उस दिन लेके गया हूँ, लेके जा रहा था लाहौर एक इलाज करवाने के लिए, और इसे मुझे आज तक पता ही नहीं कि मेरे वाल साहब क्या हाल है। मैं
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਬਸ।